नमस्कार, मैं हर्ष तिवारी, अभय न्यूज के सोमवार 20 सितंबर शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं और वही डॉक्टर अगर एक्सपायर दवा मरीज को दे दे तो उसे क्या कहेंगे। मरीज को एक्सपायर दवा देने का यह कारनामा कर दिया है महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चंदा रावत ने। उन्होंने अपनी ही एक मरीज को पहले एक्सपायर दवा दे दी और जब परिजनों ने शिकायत की तो वह दवाएं वापस लौटाने का दबाव बना रही है। दरअसल गणेशपुरा पचोर जिला राजगढ़ की रहने वाली लाड़बाई पति प्रेम नारायण को सोमवार को परिजनों ने डॉक्टर चंदा रावत को दिखाया था। उन्होंने मरीज की बच्चेदानी का ऑपरेशन करने की सलाह दी थी। चैरिटेबल अस्पताल में ऑपरेशन सहित दवाई का खर्च 20,000 रुपए बताया था। बुधवार को लाड़बाई का ऑपरेशन हो गया था और चैरिटेबल अस्पताल के ही जनरल वार्ड में उनका उपचार चल रहा था। सोमवार को जब परिजनों ने मेडिसिन देने से पहले टेबलेट पर एक्सपायर डेट देखी तो दंग रह गए। डॉक्टर द्वारा दी गई गोलियों की मियाद जुलाई में ही खत्म हो चुकी थी। ऐसे में उन्होंने शिकायत की तो डॉक्टर परिजनों पर ही दबाव बनाने लगी। उनका कहना था कि सारी टेबलेट उन्हें वापस करने पर ही वह छुट्टी करेंगे। परिजन सूरज सिंह ने बताया कि अब तक चंदा रावत को 15,000 रुपए दे चुके हैं। वह एक्सपायर दवाइयां दे रही है। इसकी शिकायत जीवाजीगंज थाने में करने गए थे लेकिन फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। सर, हम राजगढ़ जिले से आए, चंदा रावत मैडम है अपने यहीं पे उज्जैन में, तो उनके पास हम गए तो उन्होंने बोला ऑपरेशन हो गया इनका, हमने 20,000 में उससे ठेका करवा लिया। ठेका करवा के सर हमने सोमवार को पेशेंट भर्ती किया था और उसने बुधवार को ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद में सर सारी जितनी गोली दवाई उसने दी, एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी उसकी। कोई की जनवरी में निकल गई, कोई किसी की जून में निकल गई, किसी की जुलाई में निकल गई। मैं गया, मैडम ये क्या है, आपने ये क्या दिया है, बोला तुम्हें दिखा जो कर लो, जाना हुआ चले जाओ, मेरी रिपोर्ट डाल दो, कुछ भी कर सकते हो आप। आज गया था सर, मैं आज भी गया था, 2-3 दिन से गोली दवाई मांगने आ रहे, बोला गोली दवाई दो तब मैं छुट्टी करूंगी, नहीं तो मैं छुट्टी। इधर इस संबंध में डॉक्टर चंदा रावत से अभय न्यूज ने उनके मोबाइल नंबर 9425984945 पर बात करने की कोशिश की लेकिन उनका पक्ष नहीं आ सका। जब भी उनका पक्ष आएगा आप दर्शकों को हम जरूर बताएंगे। भैरवगढ़ थाने के कोलू खेड़ी के एक सैलून संचालक के हाथ बदमाशों ने तोड़ दिए। उसने सागोदिया के पास दुकान लगाई थी और तब उसे धमकी दी थी कि दुकान बंद कर लेना, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो सोमवार को करनी सेना ने थाने का घेराव कर दिया। दरअसल कोलू खेड़ी के विक्रम सेन ने सागोदिया के पास सैलून खोला था। करीब एक महीने पहले खोली गई दुकान पर निर्भय सिंह के साले को आपत्ति थी। उसने विक्रम को कहा था कि दुकान उठा लेना, नहीं तो वह हाथ पैर तोड़ देगा। 3 दिन पहले विक्रम दुकान बंद कर गाँव कोलू खेड़ी लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आए बदमाशों ने उसे घेर लिया और बुरी तरह पिटाई की। पिटाई में विक्रम के हाथ टूट गए। परिजन थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने गए लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। सोमवार को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए करनी सेना को थाने का घेराव करना पड़ा। करनी सेना के प्रदेश सचिव विजयपाल सिंह और सोनू बना के नेतृत्व में सेना के कार्यकर्ताओं ने थाना घेरा और रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की। दबाव में आई पुलिस ने इसके बाद FIR दर्ज कर ली। प्रदेश सचिव विजयपाल सिंह ने बताया कि करनी सेना 36 कौम और सर्व समाज के लिए काम करती है। इसी कड़ी में विक्रम सेन की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने का घेराव किया था। विक्रम के बेटे गौरव ने बताया कि पिता को निर्भय सिंह के साले ने दुकान बंद करने की चेतावनी दी थी। दुकान बंद नहीं करने पर उन लोगों ने पिता के हाथ तोड़ दिया। राखी के दो तीन दिन बाद दूसरे दिन दुकान डाली थी उनने, कालोदिया गांव से एक किलोमीटर दूरी पर, उस गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर दुकान डाली थी। 15 दिन बाद निर्भय सिंह का साला आया दुकान पे और उसने धमकी दी, बोले वो दुकान बंद करवा देना नहीं तो किसी दिन खून खराब हो सकता है, और ये बोल के नहीं चले गया था। पापा ने उसको समझाया, मैं समझा दूंगा ऐसा कांड मत करना, और पापा उसके दूसरे दिन गांव चले गए। तीसरे दिन उन्होंने हाथ पाँव तोड़वा दिया। थाने पे सुनवाई नहीं हो रही थी, जो मुजरी में जो धमकी दे गया उसको उठा नहीं रहे थे। विक्रम पिता जगन्नाथ जी एक गरीब आदमी है और हम किसी भी गरीब या हम 36 कौम को लेकर साथ चलते हैं। किसी साथ अन्याय का अन्याय करने से किसी कभी सहती नहीं है, उसके खिलाफ हम हर आदमी के साथ लड़े हैं और खड़े हैं, उचित कार्रवाई कर रहे हैं और अपराधियों को पकड़ रहे हैं। यहाँ पर एक सेन समाज के साथ में जो मारपीट की गई है उसके लिए हम यहाँ पर श्री राजपूत करने से ना मूल इकट्ठी हुई है। उन्हें मारपीट की गई है, उनके नाम से यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई कर दी गई है। उज्जैन विकास प्राधिकरण की आवास मेले के तहत बाजार में बिकने आई 384 संपत्तियों की बीड सोमवार को फाइनल हो गई। नानाखेड़ा क्षेत्र स्थित पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानों में लोगों का काफी रुझान देखा गया। कॉम्प्लेक्स की एक दुकान के लिए 81 लाख का टेंडर डाला गया है। विकास प्राधिकरण ने दुकान की बेस प्राइस 43 लाख रुपए रखी थी। कॉम्प्लेक्स में सबसे न्यूनतम टेंडर ST वर्ग में 56 लाख का डाला गया।
दरअसल प्राधिकरण से संपत्ति लेना दो तरह से फायदेमंद रहता है। पहला, स्वशासी निकाय होने से संपत्ति पूरी तरह वैधानिक होती है और दूसरा, बाजार दर से इनकी कीमत भी कम होती है। शिप्रा विहार, त्रिवेणी विहार, महाकाल वाणिज्य केंद्र, महानंदा नगर क्षेत्र की संपत्तियों के लिए निकली निविदा के प्रति लोगों ने खूब रुझान दिखाया। यही कारण रहा कि एक अनार सो बीमार सी स्थिति बनी। हालांकि ऑनलाइन टेंडर होने के बाद भी लोग गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं। अब देखना है कि बिड पूरी तरह ओपन होने के बाद क्या स्थिति बनती है। करीब 3 साल से भर्ती परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अभी और इंतजार करना होगा। 2018 में लोक शिक्षण संचालनालय ने 22,000 पदों के लिए नियुक्तियां निकाली थी। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने परीक्षा करवा कर चयनित अभ्यर्थियों की सूची संचालनालय को सौंप दी थी, लेकिन कभी चुनाव तो कभी कोरोना के कारण इन पदों पर नियुक्ति की प्रोसेस शुरू नहीं हो सकी थी। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को हाल में उम्मीद बंधी थी कि संचालनालय जल्दी ही आदेश जारी कर देगा, लेकिन एक बार फिर यह मामला खटाई में पड़ गया है। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि अभी तक नियुक्तियों के संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है, केवल दस्तावेजों के क्रॉस वेरिफिकेशन के निर्देश मिले हैं। इस पर काम तेजी से किया जा रहा है। इधर नियुक्तियों के अभाव में अभी भी पूरे प्रदेश में स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अब तक ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जैसे तैसे पढ़ाई कराई जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने से शिक्षकों की कमी महसूस की जाएगी। देर से ही सही मानसून अब शहर पर पूरी तरह मेहरबान है। पिछले 5 दिनों से अंचल में जारी बारिश के कारण गंभीर बांध में पानी की आवक जारी है और सोमवार शाम बांध में 1400 MCFT पानी संग्रहित हो चुका था। इंदौर में भी हो रही बारिश को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि बांध 1500 MCFT का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगा। फिलहाल शहर में बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। सुबह से लेकर शाम तक कभी धीमी तो कभी तेज बारिश होती रही। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की सोमवार को संदिग्ध मौत हो गई। उनका शव प्रयागराज आश्रम में मिला है। माना जा रहा है अखाड़ों की प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवाद में कुछ न कुछ हुआ है। नरेंद्र गिरी का उज्जैन से खासा जुड़ाव था और उज्जैन में 2016 में हुए सिंहस्थ में उन्हें अखाड़ा परिषद अध्यक्ष चुना गया था। वह उज्जैन के संत समाज के संबंध में भी समय समय पर अपने फैसले सुनाते रहते थे। हाल ही में वह चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने उज्जैन के प्रस्तावित मास्टर प्लान पर गंभीर आपत्ति ली थी। गिरी ने साफ कहा था कि सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन के उपयोग में किसी तरह की छेड़छाड़ की गई तो वह सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। गिरी के निधन से उज्जैन का संत समाज भी शोक संतप्त है। अभय न्यूज परिवार उनके निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करता है। भाजपा ने सेवा समर्पण अभियान के तहत दिव्यांगजनों को उपकरण बांटे। फ्रीगंज के आस्था गार्डन में हुए कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवी ने कहा, दिव्यांगजन की हर तरह की मदद के लिए भाजपा सरकार संकल्पित है। दिव्यांगजन समाज का हिस्सा है जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा, भाजपा सरकार दिव्यांगों को उपकरण देकर स्वावलंबी बना रही है। नगर अध्यक्ष विवेक जोशी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखियां, छड़ी और श्रवण संबंधी उपकरण वितरित किए गए। मक्सी रोड महावीर रेवेन्यू 1 के रहवासियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से विकास समिति का गठन किया गया। देवासगढ़ स्थित परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित उज्जैन के संचालक मंडल द्वारा बैंक में बिजली के बिल, टेलीफोन, मोबाइल, गैस, पानी के बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम आदि के बिलों का भुगतान बैंक के माध्यम से निःशुल्क जमा किया जाएगा। थाना चिमनगंज क्षेत्र में 4 आरोपियों ने फरियादियों के आभूषण व शादी का आधा खर्च नहीं दिया व दहेज में 50 लाख रुपए की मांग कर शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया व तलाक देने की धमकी दी, जिस पर कार्यवाही करते हुए थाना चिमनगंज ने अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है। आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।